ब्रांड की अफादियत द रीजन वाई यू शुड फोकस ऑन बिल्डिंग योर ब्रांड इमेज मैं बहुत डिटेल से आपको बता के आ रहा हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ लोगो कॉपरेट आइडेंटिटी वेबसाइट आपके सोशल मीडिया सो एंड सो फोर्थ सब कुछ आप डिटेल से समझ चुके हैं और अब स्टेशनरी कौन सी स्टेशनरी एक तो इंग्लिश वाली स्टेशनरी रहता ना ऐसा स्टेशनरी खड़ा हुआ वो वाली स्टेशनरी नहीं ये फिजिकल स्टेशनरी विच इंक्लूड्स बिजनेस कार्ड एंड लेटर हैड वाई आर द बिजनेस कार्ड एंड लेटर हैड इंपॉर्टेंट भाई इनकी जरूरत क्या है आप अपना सारा काम जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं आप प्रोफाइलिंग भी आ, बड़ी डिटेल से समझ के आए हैं कि पी की प्रोफाइल क्रिएशन का क्या फायदा हो सकता है और वो कैसे लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट कर सकती है तो भाई बिजनेस कार्ड की क्या जरूरत बिजनेस कार्ड की जरूरत है और रहेगी बल्कि अगर मैं ये कहूं कि बिजनेस कार्ड की जरूरत थी है और हमेशा रहेगी तो ये गलत नहीं होगा यू आर ए फ्री लांसर आपने किसी भी तरीके से काम लेना है चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो हाँ ये डिस्कस हम जरूर कर गए और करते आएंगे कि जनाब जो भी काम है चाहे वो ऑफलाइन मिले उसको उठा के फ्री लांस मार्केट प्लेस पर ले आइए बिकॉज दैट विल बिल्ड योर प्रोफाइल दैट विल बिल्ड योर ब्रांड दैट विल बिल्ड योर रेपुटेशन लेकिन ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना कि बिजनेस कार्ड काम किस वक्त आएगा देखिए आप सोशल नेटवर्किंग करते हैं आप इवेंट्स पे शो अप करते हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह हर सिटी में कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर इतने वाइड स्केल पे इवेंट्स हो रहे होते हैं जहाँ पे आपको नेटवर्किंग करने का सही मौका मिलता है और एन मुमकिन है कि आपके साथ वाला स्टूडेंट ही हाँ मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं ना उस्ताद की बात कर रहा हूँ ना मैं आगे जाके प्रोफेसर भी किसी की बात नहीं कर रहा मैं तो सिर्फ स्टूडेंट की बात करूँ एन मुमकिन है कि उनका भी कोई कारोबार हो और वो फ्री लेंसिंग ना करते हों लेकिन उनको ज़रूरत हो एक कॉन्टेंट राइटर की एक ग्राफिक डिज़ाइनर की एक वेब डेवलपर की तो बिजनेस कार्ड हमेशा आपके पास होने चाहिए मैं कुछ भी नहीं निकाला परेशान ना होना एक सेकंड निकल नहीं रहा ये रहा ये भाई मेरा बिजनेस कार्ड है हर वक्त मेरी जेब में रहता है इस पर लोगो भी है इस पर मेरी कंपनी का नाम भी है इस पर मेरा नाम मेरा फ़ोन नंबर मेरा ईमेल एड्रेस सो बिज़नेस कार्ड आप जाइए किसी भी नेटवर्क पर किसी भी इवेंट पर किसी भी सेमिनार पर और जनाब बिज़नेस कार्ड आपके वॉलेट में आपके पर्स में होना चाहिए चाहे आप मर्द हों चाहे आप ख़ातून हो कोई भी जेंडर हो नेटवर्किंग करते हुए अपने बिज़नेस कार्ड फ्लोट कीजिए एन मुमकिन है कि आपके बिज़नेस कार्ड देने की वजह से कल के आपका साथ वाला ही स्टूडेंट मैं तो आगे की बात ही नहीं ना कर रहा ना मैं उस्ताद की बात कर रहा हूँ ना मैं आ, किसी बिजनेस इवेंट की बात कर रहा करूँ मैं तो सिर्फ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि उनको या उनके वालिद को या उनके वालिद की कंपनी में किसी भी स्किल की ज़रूरत हो एंड यू कैन कम इन टू प्ले मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ मैं एक इवेंट पर गया किसी दोस्त ने ज़बरदस्ती बुलाया वॉज नेवर इन इवेंट गाय कपल ऑफ ईयर्स बैक मैं दो साल से पहले अपने घर से बाहर नहीं निकलता था बस कंप्यूटर मैं इंटरनेट और मेरी फ्रीलांस की दुनिया लेकिन मैं उस इवेंट पे गया और एक नया होराइजन इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी कि जहाँ पे लोग बिजनेस कार्ड एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे थे मैंने भी बिज़नेस कार्ड एक्सचेंज किया टू माई सरप्राइज अड़तालीस घंटे के बाद मुझे एक कॉल आ गई कि जनाब मेरी आपकी मुलाकात हुई थी ओवर स्नैक्स एट मेरियट इस्लामाबाद और आप वेब uh, डेवलपमेंट करते हैं हमारे यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है क्या विलिंग हैं हमारी वेबसाइट डेवलप करने के लिए मैंने आगे से दिल ही दिल में कहा नेकी और पूछ पूछ फायदा हो गया और वो वक्त है आज का वक्त है यकीन जानिए दो साल हो गए हैं जहां भी मैं अवेलेबल होता हूं जहां कहीं इवेंट हो रहा होता है मेरी कोशिश होती है मैं पहुंचूं जिस तरह मर्जी क्योंकि वहां पे नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है आप लोगों को अपने बारे में बताते हैं फ्री का खाली मकसद ऑनलाइन फ्री नहीं है फ्री का मकसद ये भी है कि आप अपनी कम्युनिटी में वेल नोन हो एज अ सर्विस प्रोवाइडर कि जब किसी को जरूरत पड़े क्रिएटिव राइटर वो कहे सोचे हाँ मैं शाम सरवर से मिला था वो एक इवेंट पे मुलाकात हुई ये उनका बिजनेस कार्ड है चलिए कॉल मिलाते हैं बिजनेस कार्ड में आपका फ़ोन नंबर होना आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होना द लाइक्स ऑफ योर स्काइप योर ई एड्रेस योर वेबसाइट एड्रेस ये बहुत ज़रूरी होता है एक टिपिकल बिजनेस कार्ड गूगल कर लीजिए या, या एक टिपिकल बिजनेस कार्ड आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसमें यही चीजें होती हैं कॉपोरेट आइडेंटिटी जो कि लोगो आपका नाम आपकी बांटेक्ट इंफॉर्मेशन दिस इज इट सो इस इवेंट पर भी जाए अवल तो पहले इवेंट पर जाना शुरू कीजिए सोशल नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ फ्री लांसर जितने आप इवेंट्स पे शो अप करोगे उतना आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे जब आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो आप अपना बिजनेस कार्ड दोगे जब आप अपना बिजनेस कार्ड दोगे तो एन मुमकिन है कि जैसे मेरे साथ हुआ था आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए सो आई यू नो ऑलवेज कैरी माई बिज़नेस कार्ड विद मी सेम गोज़ फॉर स्टेशनरी आप अगर आप लेटर हेड है लेटर हेड पर भी ये इंफॉर्मेशन होती है जनरली आपका लोगो, आपके बिजनेस का नाम या आपके कारोबार का नाम और आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन रिमेंबर दैट इंफॉर्मेशन सच एज़ योर बिजनेस नेम योर कॉन्टेक्ट एड्रेस फिजिकल एड्रेस ये तो आपको अब तक वैसे ही मैंने बड़ा डिटेल से बता चुका हूँ कि आपके एन के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर आपको एन नहीं मिलेगा तो आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा तो जो भी पैसा बाहर से पाकिस्तान मंगवाओगे वो पाकिस्तान तक आएगा नहीं और अगर आप किसी ऑफलाइन तरीके से मिसाल के तौर पे एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो पेपैल पाकिस्तान में ऑपरेशनल नहीं है या आप पे कार्ड से पैसे विद्रॉ करोगे तो वो आपका वाइट मनी नहीं होता वो आपके टैक्स फाइल रिटर्निंग में काम नहीं आएगा सो so, साफ सुथरा काम कीजिए और लेटर हेड बनाइए लेटर हेड आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस uh, में भी आपके अकाउंट ओपनिंग में भी अगर कल को आपने कुछ परचेज करना है उसमें भी काम आएगा इट्स इट्स ऑलवेज अ लीगल एंड एन अथेंटिक वे ऑफ गेटिंग द स्टेशनरी सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस के जनाब बिजनेस कार्ड और लेटर हेड क्यों ज़रूरी है नहीं बनता फाइवर पे जाइए पाँच डॉलर सिर्फ पाँच डॉलर में आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी पाँच सौ रुपया सिक्का रजुलवात कमी पेशी तो ज़ाहिर डॉलर के रेट के हिसाब से दी जाएगी तो अगर आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है भाई जाइए फाइवर पे फाइवर पे जाके ये दोनों चीज़ें मंगवाइए बनाइए आपके पास थ्री हंड्रेड डी पी आई हाई रेजोल्यूशन फाइल्स आ जाएंगी उनको किसी प्रिंटर के पास लेके जाइए प्रिंट कराइए बिजनेस कार्ड धड़ल्ले से अपने वॉलेट पर जाइए और जैसे मैं जा रहा हूँ चलते फिरिए